बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा के नागरिकता संशोधन कानून पर ट्वीट करने के बाद सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। अभियान के सलाहकार योगेंद्र मलिक ने इस बात की पुष्टि की है। गौरतलब है कि परिणीति ने CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के समर्थन में ट्वीट किया था। परिणीति चोपड़ा के ट्वीट के बाद सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। योगेंद्र मलिक ने कहा कि साल 2015 में कुछ समय के लिए एम्बेसडर बनाया गया था, अब हरियाणा की बेटियां ही ब्रांड एम्बेसडर होंगी। हालांकि कोई ये नहीं बता रहा कि परिणीति चोपड़ा को कब हटाया गया। बता दें कि परिणीति चोपड़ा को खट्टर सरकार ने साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने परिणीति चोपड़ा को नामित करने का खुला विरोध किया था। उनके साथ ही कई अन्य नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर नागरिकों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने से हर बार यही होता रहे तो कैप को भूल जाइए, हमें एक बिल पास करना चाहिए और अपने देश को लोकतांत्रिक देश कहना छोड़ देना चाहिए। अपने मन की बात कहने के लिए निर्दोष लोगों की पिटाई की जा रही है और ये बर्बर है। न्यूज़ डेस्क।